मुझे जाना होगा थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ी हाइट पर, तो मैं थोड़े ब्लॉक लगा लगा कर ऊपर चला जाता हूँ। मुझे यहाँ पर लगाने हैं तीन ब्लॉक, दो ब्लॉक बेसिकली, एक ये हो गया यहाँ, नहीं यहाँ, ओके दो, और फिर मुझे एक और ब्लॉक यहाँ पर लगाना है। हाँ ओके, अभी मुझे आ जाना है इधर। मैं यहाँ पर भी ऐसे ब्लॉक लगा देता हूँ, पीछे वालों को मैं तोड़ देता हूँ। और अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे लेना है रेड स्टोन। अभी मैंने ले लिया रेड स्टोन, और मुझे इन्हें ऐसे कर कर रख देना। और अभी मुझे लेना है एक स्टिकी पिस्टन, ओके अभी मैं इसे ले लेता हूँ। स्टिकी पिस्टन लेने के बाद मुझे लगाना है इसको आगे की तरफ। ओ मैं आपको बताना तो भूल गया कि ये क्या चीज है। ये हम बना रहे हैं एक TNT डुप्लीकेशन, जो कि TNT को धड़ा इधर, दो TNT को हम सिर्फ दो TNT का यूज करेंगे, और यहाँ पर धड़ा इधर नीचे TNT बरसने लगेंगे, तो सुनने में भी अमेजिंग है और अभी देखना इसे बनाने में अमेजिंग वाले हैं। तो अभी मुझे लेना है स्लाइम ब्लॉक, हाँ अभी मुझे लेना है स्लाइम ब्लॉक, उसको मुझे लगा देना है एक दो ऐसे करके, दो मुझे लगाने हैं ऐसे कुछ, और फिर मुझे तोड़ना है उसको भी, मैं तोड़ देता हूँ। हाँ और यहाँ मुझे एक और लगाना, और फिर यहाँ एक और फिर यहाँ एक और एक यहाँ, ओके अब बिल्कुल ठीक है। और अभी मुझे करना ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी मुझे मुझे लगाने हैं सबसे पहले एक डिटेक्टर रेल यहाँ पर, उसके ऊपर मुझे लगाना है एक माइनकार्ट, सही तो है ना, हाँ सही है। और अभी मुझे नहीं, मुझे इस माइनकार्ट डिटेक्टर रेल को ऐसे करके लगाना है, और फिर इसको मुझे उसके ऊपर मुझे लगाना है माइनकार्ट। अब इतना करने कर लेने के बाद मुझे यहाँ पर दोनों साइड लगाने हैं, मुझे ऑब्जर्वर भी लगेगा वैसे, तो मैं एक ऑब्जर्वर भी उठा लेता हूँ यहाँ से। हाँ तो ऑब्जर्वर को मुझे यहाँ लगाना है कुछ ऐसे। और अभी मुझे जो है ये वाले जो ब्लॉक है ये और ये मुझे तोड़ देने हैं। और अभी मुझे लेने हैं डेड कोरल, और उसको एक को यहाँ लगाना है और एक को मुझे यहाँ लगाना है, और फिर मुझे ले लेनी है वॉल्स, एक को यहाँ एक को यहाँ। और अभी क्या रह गया, हाँ मेन चीज तो भी रह गई यार, TNT तो रह गए। अभी मैं TNT भी ले लेता हूँ। TNT लेने के बाद अरे मैंने, हाँ ये TNT लेने के बाद मुझे इनको यहाँ पर और एक यहाँ पर, रुको यहाँ पर लगाना है। हाँ तो हमारी मशीन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अभी मुझे एक्टिवेट करने के लिए एक लीवर भी लगने वाला है, तो अभी मैं एक लीवर भी ले लेता हूँ। लीवर को मुझे लगाना है इधर, हाँ। और अभी स्टार्ट करते अपनी मशीन, ये लेकर, और उसको मुझे ऐसे दबाना होगा, ये ऐसे TNT फेंकी, मतलब आप देख नीचे कितने सारे TNT गिरे हैं, मतलब आप ऐसे को ऐसे दबाते रहोगे यहाँ नीचे, इतने सारे TNT गिरते रहेंगे, आप सोचो कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इससे हो रही है, देख सकते हैं नीचे, मतलब ये मशीन बेसिकली नेदर में यूज होती है, आपको एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने के लिए ये बहुत हेल्प करती है, लेकिन इसे मैंने ओवर वर्ल्ड में बनाया ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। आप इसे नेदर में भी बना सकते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा यूजफुल होगी, यहाँ तो सिर्फ ये डिस्ट्रक्शन करती है, कोई नहीं ये भी अच्छी बात है। अभी ये मशीन बहुत तगड़ी लगी और मुझे तो देखो कैसे दो TNT से इतनी सारे TNT फेंक रही है, देखो लगातार फेंक ही जा रही है, देखो भाई साहब देखो देखो अनलिमिटेड TNT, मजा आ गया ये देखकर। तो चलो यार ये वाला हैक मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो बढ़ते हैं यार अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, वो इससे भी यार ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है।
तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो हमारा वर्क करने वाला है बेडरॉक एडिशन में। तो चलो यार बेडरॉक एडिशन में चलते हैं और उसे वहां बनाते हैं। सबसे पहले मुझे दो आयरन बार्स को कुछ ऐसे प्लेस करना है और नीचे वाले को मुझे तोड़ देना है, और फिर इस वाले ब्लॉक को मुझे तोड़ना है, और फिर यहाँ मुझे लगा देनी है एक पिस्टन, नहीं यार एक एंड रोड। और इतना करने के बाद मैं यहाँ से ग्रास ब्लॉक लगा देता हूँ, और फिर मुझे लेना है एक आर्मर स्टैंड और उसको मुझे ऐसे लगाना है, और उसे मुझे एक पोज देना है। रुको, 3 4 5 6, आपको 6 नंबर पर जो भी पोज आता है वो आपको देना है। बाद में ले लेता हूँ एक स्कल और उसे मुझे लगा देना है इसके ऊपर, और मैं थोड़ा आर्मर भी लगा देता हूँ। तो अभी मैं इसको ये ड्रेस पहना देता हूँ, और अभी मुझे एक पिस्टन को लेना है और उसको ऐसे लगाना है, और फिर रेड स्टोन से इसको आगे की तरफ धकेल देना है। और इतना करने के बाद हमको पीछे के पिस्टन और रेड स्टोन को तोड़ देना, और ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। मतलब आप देख सकते हैं, आप समझ पा रहे हो कि ये क्या चीज है। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीचे से, सॉरी मैं से ठीक कर रहा हूँ, पता नहीं मैं इतनी एक्साइटमेंट में से कुछ तोड़ क्यों देता हूँ। हाँ तो अभी आप इसे गौर से देखिए कि आप ऐसा लग रहा है कि ये तलवार को ऐसे पकड़ रखा है इसने, और ये स्केलेटन। मुझे तो ये बड़ी मजेदार लगा ये हैक, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, बहुत अच्छा हैक मुझे लगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है, लेट्स गो। तो गाइस अभी जो हमारा नेक्स्ट हैक होने वाला है वो हमारा होने वाला है कारपेट डुप्लीकेशन। मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक और कारपेट डुप्लीकेशन बताया था, इस वाले एपिसोड में मैं फिर से एक कारपेट डुप्लीकेशन बताने वाला हूँ, वो थोड़ा इजी होने वाला है। तो उसके लिए मुझे लगेगा हनी ब्लॉक, पिस्टन, और मुझे लगेगा रेडस्टोन, और मुझे लगेगा एक रिपीटर, हाँ, और नॉन बेसिक बेसिक की बात, मुझे लगेगा एक कारपेट कोई भी ले लेता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ। और सबसे पहले मुझे तुम जाए यार देख कैसे मैं डर गया एकदम से, ये क्या आ गया। तो सबसे पहले मुझे लेना है एक हनी ब्लॉक और उसे मुझे ऐसे लगाना है, और फिर मुझे लेना है एक स्टिकी पिस्टन, उसे मुझे लगाना है इसके बिल्कुल पीछे। और अभी मुझे करना कि अभी और अभी मुझे यहाँ जाना है पीछे, और यहाँ पीछे आने के बाद मुझे बनानी है क्लॉक। आप कैसे भी बना सकते हो, मैं इस वाले तरीके से क्लॉक बना रहा हूँ, मतलब रेस्ट रिपीटर का सर्कल वाला तरीका, आप भी ऐसे बना सकते हो। अगर आपको क्लॉक बनानी नहीं आती है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। हाँ इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर लगाने हैं रेड स्टोन, हाँ यहाँ पर मुझे, अरे कहाँ गया, हाँ यहाँ और यहाँ रेड स्टोन लगाना है। और इसे मुझे एक्टिवेट करने के लिए, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, एक्टिवेट करने के लिए मुझे रेड स्टोन टॉर्च लेनी है और उसको मुझे लगाते ही तोड़ देना है, और ये एक्टिवेट हो गई है। और अभी मुझे यहाँ पर लगाना है कारपेट। इतना करने के बाद मुझे यहाँ से थोड़ा एरिया क्लियर कर देना है, ये करना जरूरी है। ओके तो मैंने एरिया के जो है क्लियर कर दिया, और इतना करने के बाद मुझे एक ब्लॉक लगेगा, तो मैं ये स्टोन ले लेता हूँ, स्टोन स्टोन स्टोन, हाँ रिपीटर का काम हो गया। तो अभी मैंने स्टोन ले लिया, उसको मुझे यहाँ रखना, और फिर मुझे लेना है रेड स्टोन, उसका करंट मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, और हमारी कारपेट डुप्लीकेशन मशीन चालू हो चुकी है। कैसे देख सकते हो, कैसे कारपेट को डुप्लीकेट करते जा रहे हैं, और मुझे अनलिमिटेड कारपेट मिलते जा रहे हैं। आप कोई से भी कलर का कारपेट यूज कर सकते हो इस कारपेट डुप्लीकेशन मशीन में, और बहुत मजेदार है। अगर और अगर आपके पास हनी ब्लॉक नहीं है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो, इसमें मैंने स्लाइम ब्लॉक से भी बनाए थे कारपेट डुप्लीकेशन मशीन, ये भी मस्त और वो भी मस्त थी। तो चलो यार ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। और अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे इतने कारपेट नहीं चाहिए। तो ये वाले भी अमेजिंग थी, अमेजिंग हैक्स थी यार। तो बढ़ते यार अपनी नेक्स्ट हैक की तरफ,
वो इससे भी ज्यादा अमेजिंग और बहुत अलग तरीके की होने वाले हैं। अभी मुझे करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मुझे लेना है, सबसे पहले मुझे वन इसको मैं तोड़ना पड़ेगा। हाँ दो ब्लॉक मुझे, ये क्या है? नहीं भाई साहब, मैं दो ब्लॉक दिख कर रहा था, यहाँ तो लावा की नदी बनी हुई है। वाह देखो, तो मैं थोड़ा साइड होकर ही बनाना पड़ेगा। कोई नहीं कोई नहीं, हम थोड़ा साइड वाली जगह पर बना देते हैं, ये भी सही रहेगी। इतना बड़ा हमारा हैक नहीं होने वाला है, दिखने में बड़ा नहीं लेकिन बहुत मस्त है। अभी मुझे यहाँ पर दो ब्लॉक डिक करने, और यहाँ पर मुझे लगाना है एक स्लैब, और फिर मुझे लेना है एक आर्मर स्टैंड, उसको मुझे ऐसे लगाना है, ठीक है। और अभी मुझे इस आर्मर स्टैंड को पहनाना है एक और पंपकिन, और फिर मुझे लेनी है ग्रास ब्लॉक, उसको मुझे कुछ ऐसे लगाना है। और यहाँ मैं दो ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि मुझे पिस्टन लगाने में इजी रहे, तो मैं पहले ऊपर लगाता हूँ फिर नीचे। और इतना करने के बाद मुझे पहले ऊपर वाले पिस्टन में करंट भेजना है, और फिर मुझे भेजना है नीचे वाले में। ओके अभी मैं ये तोड़ देता हूँ क्योंकि ये यूजलेस है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। ये देखो, गौर से देखिए, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रखा हुआ एक छोटे वाला कार्ड पंपकिन और यहाँ पर रखा हुआ एक बड़े वाला पंपकिन, अलग ही लग रहा हूँ। मतलब ये एक डेकोरेशन है क्या? आप इसको डेकोरेट कहीं भी अपने घर में लगा सकते हैं, मस्त लग रहा है, बढ़िया एकदम। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो वैसे आज की इस वाले वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वाले वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से जाओ इस वीडियो को जाकर एक लाइक दे दो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। और जी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो यार, हमको 1.2 के जल्दी करना है, जितना हो सके उतना शेयर कर दो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।